तीन किस्म की औरतों पर रोजा रखना जायज नहीं नाजरीन यहाँ तीन औरतें किसी भी हाल में रमज़ान के महीने में रोजा नहीं रख सकती हैं अगर उनमें से किसी औरत ने रोजा रख लिया तो याद रखें ऐसी औरत का रोजा कभी नहीं होगा ऐसी औरत को अल्लाह ताला की तरफ से सख्त अजाब होगा नाजेन रोज़े की फर्जियत की तीन शर्तें हैं बालिग होशो हवास और आकिल होना यानी कि रोज़े ऐसे तमाम मुसलमान मर्द और, और औरत पर फ़र्ज हैं जो आकिल हो और बालिग हो जो अपने होशो हवास में हो यानी कि जो पागल और दीवाना ना हो ऐसे तमाम मुसलमान औरत और मर्द पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हैं अब इसके अलावा रोज़े की फर्जीत अदा करने की दो शरतें हैं पहली सेहतमंद और तंदरुस्त होना और दूसरी महकम होना यानी कि बीमार आदमी आदमी अपनी बीमारी की हालत में और मुसाफिर अपने सफर की हालत में रोजा छोड़ सकता है यानी कि इन लोगों को रमज़ान के महीने में रोजा छोड़ने की इजाज़त है मगर याद रखें अगर ऐसे शख्स रमज़ान के महीने में रोजा रखना चाहें तो वो रख सकते हैं उनका रोज़ा कबूल हो जाएगा लेकिन अगर ना रखें तो उनको कोई गुनाह भी नहीं होगा यहाँ बाद में उन रोज़ों की कज़ा कर सकते हैं लेकिन ये तीन औरतें ऐसी हैं जिनका रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम है यानी कि इन तीन औरतों का रोज़ा रखना जायज़ नहीं है अगर इन औरतों ने रमज़ान के महीने में रोज़े रख लिया तो उनका रोज़ा तो किसी भी हाल में नहीं होगा बल्कि उनको अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब भी होगा नंबर एक सबसे पहली औरत वो है जो हैज की हालत में हो ऐसी औरत का रमज़ान के महीने में रोजा रखना हराम है मगर ऐसी औरतें बाद में कज़ा करें वो रमज़ान जान के महीने में भूल कर भी रोज़ा न रखे अगर कोई औरत की हालत में रोजा रख लेती है तो उसका रोज़ा कबूल नहीं होगा हदीस शरीफ में है कि हालत हैज में औरत रोज़ा नहीं रखेगी और हैज़ की मुद्दत ख़त्म हो जाने के बाद उन पर उन दिनों के रोज़ों की कसा वाजिब है जैसे कि हज़रत आयश सद्दीक रज़ी अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हालत हैज से पाक होने पर रोज़ों का हुक्म फरमाते इसके अलावा रोज़े की हालत में अगर मगरिब से पहले पहले किसी भी वक्त तो औरत को आ जाए तो उसकी वजह से रोज़ाफासद हो जाएगा और पाक होने के बाद उस रोजे की क़ा लाजि होगा क़ा रखना लाजिम होगा जो औरत जो की हालत में हो उसे खाना पीना चाहिए यानी रोजेदारों की मुशाबियत की वजह से तन्हाई में भी भूखी प्यासी ना रहे अलबत्त उसके बरक्स अगर हाइज़ा औरत दिन का कुछ हिस्सा गुजर जाने के बाद पाक हो गई तो अब दिन के बकिया हिस्से में खाने पीने से रुका रहना चाहिए नंबर दो नाजरीन दूसरी औरत वो है जो नफ़ास की हालत में हो औरत के लिए नफ़ास के अयाम में नमाज पढ़ना और रोजा रखना शर्म जायज नहीं अलबत इन एयाम के रोजों की कजा लाजिम है नमाज की कजा नहीं नफ़ास कितने दिन तक शुमार होगा और नमाज रोजे की कब कजा लाजि है इस सिलसिले में तफसी दर्ज ऐसी किसी खातून के यहाँ पहली विलादत हो और नफास का खून चालीस दिन मुकम्मल होने पर भी बंद ना हुआ हो तो उस सूरत में चालीस दिन तो नफास के शुमार होंगे और उससे जायद एयाम इस्तेहाज़ा के शुमार होंगे गसल के बाद इन एयाम की हर नमाज के वक़्त वजू होकर नमाज अदा करना लाजम होगा और इस्तेहाज़ा के दौरान औरत रोज़ा भी रखेगी और अगर नफाज का खून चालीस दिन से बढ़ जाए और उस औरत के यहाँ पहले भी बच्चे की वलादत हुई है तो उस सूरत में उससे पहले बच्चे की पैदाइश के मौके पर जितने दिन खून आने की आदत है उतने दिन का खून नफात शुमार होगा और बाकी बीमारी का खून शुमार होगा इन बाकी दिनों में रह गई नमाजों की भी कज़ा करनी होगी और रोजी जो छूट गए हों वो भी रखने होंगे और अगर खून 40 दिन के अंदर अंदर बंद हो जाता है तो वो मुकम्मल अम नफास् के शुमार होंगे इन दिनों में रोजा नहीं रखेगी और नमाज भी अदा नहीं करेगी ताहम रोजों की बात में कज़ा करनी होगी नंबर तीन नाजरीन तीसरी औरत है हामला नाजरीन ऐसी औरतों को रमजान के महीने में रोजा रखना हराम तो नहीं है लेकिन ऐसी औरतों को रोजा छोड़ने की इजाज़त है यानी कि हमल वाली और अपने बच्चों को दूध पिलाने वाली औरतों को अगर अपने रोजे की वजह से अपनी या अपने बच्चे की जान जाने का खतरा हो तो ऐसी औरतों को इजाजत है कि वो रोजा ना रखे अगर हामला औरत को जन गालिब हो कि रोजा रखने की सूरत में खुद उसकी जान या बच्चे की जान को खतरा हो सकता है तो इस हालत में औरत रोज़ा छोड़ सकती है और बाद में कजा करना वाजिब है लेकिन अगर शोहर मालदार है कोई दूध पिलाने वाली औरत रख सकता है तो दूध पिलाने की वजह से माँ को रोजा छोड़ना दुरुस्त नहीं अलबतः अगर वो बच्चा ऐसा है कि सिवाय अपनी माँ के किसी का दूध नहीं पीता है तो ऐसे वक्त माँ को रोजा न रखना दुरुस्त है और बाद में कजा कर ले सैदिन मालिक काबी रजील बयान करते हैं कि नबी करीम सल ने फरमाया अह मुसाफिर को रोजा और नमाज का नस्फ माफ कर दिया है इसी तरह हामला और दूध पिलाने वाली को भी सैदिना अब्दुल्ला बिन उमर रजील्लामा से हामला के बारे में पूछा गया जिसे अपने बच्चे के नुकसान का खतरा है फरमाया वो रोजा छोड़ दे इसके बदले में एक मस्किन को एक मद यानी तकरीबन निस किलोग्राम गंदुम दे दे नाजिन अब आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी औरतें हैं जिनको रमजान के महीने में रोजा छोड़ने की इजाजत है नंबर एक अगर कोई औरत सफ़र की हालत में हो या बीमारी की हालत में हो या फिर अपने बुढ़ापे की वजह से इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो तो अगर उसने रोजा रख लिया तो उसकी जान जाने का खतरा हो सकता है तो ऐसी औरतों के लिए रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है मगर ऐसी औरत को चाहिए कि अगर वो बाद में सेहतमंद और तंदरुस्त हो जाए तो वो इन रोजों की क़ा करे, करे अगर बाद में वो फिर दोबारा सेहतमंद ना हो सकी तो उसे चाहिए कि वो इन रोजों का कफारा अदा करे और कफ़ारा ये है कि हर रोजे के बदले में किसी मस्किन को दो वक्त पेट भर कर खाना खिलाया जाए नंबर दो अगर किसी औरत को रोजे की हालत में सांप ने डस लिया हो उसकी जान जाने का खतरा बन गया हो तो ऐसी औरत को भी हुक्म है कि वो अपने इस रोजे को तोड़ सकती है इसको कोई गुनाह नहीं होगा लेकिन बाद में जब वो सही हो जाए तो उस रोजे की कसा करे नंबर तीन औरत से पूरे दस दिन और दस रात में फारिग हो गई अब उसको चाहिए कि वो अगले दिन का रोज़ा रख ले और अगर कम दिनों में पाक हो गई और अगर सुबह होने में इतना वक्त बाकी है कि उसके पास नहा धोकर थोड़ा वक्त बचेगा तो उसको चाहिए कि वो रोज़ा रख ले दीन इस्लाम ने दुनिया के हर खित्ते में रहने वाले आकिल बालिक और मुसलमान मर्द औरत पर माह रमज़ान के रोज़े फर्ज किए फर्ज किए हैं कुरान हकीम में अर्शाद होता है रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान उतारा गया जो लोगों के लिए हिदायत है और जिसमें में रहनुमाई करने वाली और हक को बातिल में इम्तियाज़ करने वाली वाज निशानियाँ हैं तुम तो में से जो कोई इस महीने को पाले तो वो इसके रोज़े ज़रूर रखे फ़र्ज की अदम अदायगीबिल ताज़ीर है लेकिन इस्लाम चूँकि बतौर दिन सहलमल है इसलिए इसमें ज़बर नहीं जैसे कि कुरान हकीम में और बारी ताला है दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं हजरत सैदा आयशा सिद्दीक़ा रजगिल्लाह के पास एक खातून आई कहने लगी अम्मा एक अच्छे अखलाक वाली औरत के अंदर कौन कौन सी खूबियाँ पाई जाती हैं हैंजरत सैदा सद्दीका रज़ी अल्लाह ताली इनह ने फरमाया बेटी अच्छे अखलाक वाली औरत की दस नशानियाँ हैं जिस औरत के अंदर ये दस नशानियाँ मौजूद हों समझ लेना वो औरत अच्छे अखलाक वाली है और जिस औरत में ये दस निशानियाँ पाई जाती हों यकीन कर लेना वो औरत इस्लाम की मुकद्दस शहज़ादी है हज़रत मौलाना रूमी रोमी अलैहि ने फरमाया शादी करने से पहले पहले ऐसी औरत का चुनाव करो ऐसी औरत को तलाश करो जिस औरत के अंदर हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बताई गई दस निशानियां मौजूद हों उस खातून ने पूछा ए हजरत आयशा सिद्दीक़ा ताला अन्हा वो दस निशानियां कौन कौन सी हैं हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया बेटी पहली निशानी अच्छी औरत झगड़ा कम से कम करेगी अपने शोहर से झगड़ा बिल्कुल ही कम करेगी क्योंकि शोहर के ऊपर हर वक्त चढ़ाई करने वाली औरत शोहर को परेशान करने वाली औरत अल्लाह ताला के गज़ब को दावत देती है हर वक्त चढ़ाई करने वाली औरत तलख लहजा अपनाने वाली औरत अल्लाह ताला के गजब को दावत देती है और जब अल्लाह का कहर टूटता है तो फिर रोती है चिल्लाती है लावारस हो जाती है उसके रोने का फिर उसे कोई फायदा नहीं मिलता इसलिए अच्छी और बाकमाल औरत है वो जो अपने शोहर के ऊपर चढ़ाई नहीं करती अपने शोहर को परेशान नहीं करती फरमाया नंबर दो ऐसी औरत जो अपने हाथ को हर वक्त खोले रखती है सखावत चलाती है और सदका देने में देर नहीं करती अच्छी औरत है वो जो अपने हाथ को हर वक्त खोले रखती है दूसरी औरतें आती हैं अपनी जरूरतें पूरी करती हैं उसका सखावत वाला हाथ दूसरी जरूरतमंद औरतों की मदद करता है और वो सदका देने में देर नहीं करती सदका बलाओं को टाल देता है बनी साइल की एक खातून कपड़े धो रही थी उसका एक बच्चा उसके साथ खेल रहा था एक साइल आया भूखा था कहा अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो उस औरत के पास एक रोटी थी उसने आधी रोटी उस साइल को दे दी अल्लाह के नाम पर सदका कर दी साइल वहां से चला गया थोड़ी देर बाद एक भेड़िया आया उस औरत के बच्चे को उठाकर दौड़ गया अब उस औरत को कपड़े भूल गए भेड़िए के पीछे दौड़ती चली जा रही है मेरा बच्चा भेड़िया लेके जा रहा है अचानक से आगे एक शख्स नमूदार हुआ उसने भेड़िए को पकड़कर जमीन पर दे मारा उसके बच्चे को लेकर आया उसकी माँ के हाथ में दे दिया उस औरत ने कहा तेरा एहसान है मुझ पर अल्लाह के नेक बंदे तूने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया मेरे बच्चे की जान बचाई उस शख्स ने कहा मैं बंदा नहीं हूँ मैं फरिश्ता हूँ ये जो तूने साइल को अल्लाह के नाम पर आधी रोटी दी है उस आधी रोटी ने अल्लाह के नाम पर दिए सदके ने तेरे बच्चे की जान बचा दी है तो फरमाया अच्छी औरत है वो जो सदका देने में देर नहीं करती फरमाया नंबर तीन दिन में पांच वक्त की नमाज अदा करने वाली औरत वो इस्लाम की मुकद्दस शहज़ादी औरत जो कीमती वक्तों में से वक्त निकाल कर दिन में पांच टाइम नमाज़ अदा करती है बहुत ही बाकमाल औरत है बनी स्र की एक ख़ातून थी हज़रत सदी मूसम के पास आई कहने लगी अल्लाह के नबी मुझसे गुनाह सरजद हो गया था मैंने तोबा की आप दुआ करें अल्लाह ताला मेरी तोबा कबूल फरमाए मुझसे गुनाह हो गया तो गुनाह से डर कर मैंने अल्लाह से पक्की तोबा की हज़रत सईदीना मूसा सलाम ने पूछ ही लिया तूने आखिर कौन सा ऐसा गुनाह किया उस औरत ने कहा मुझसे जना हो गया था उसकी वजह से मैं हामला हो गई और मेरा एक बच्चा पैदा हुआ तो उस गुनाह को छुपाने के लिए मैंने उस बच्चे को कत्ल कर दिया कत्ल करके उसे मट्टी में डाल दिया ताकि मेरा गुनाह छुप जाए मुआरे में मैं जलील ना हो जाऊँ लोग क्या कहेंगे ये जिनाकार औरत है बस अपने गुनाह को छुपाने के लिए मैंने बच्चे को कत्ल कर डाला हज़रत मूसा सलाम ने फरमाया ओ बदब्त औरत यहाँ से चली जा कहीं ऐसा ना हो तेरे गुनाह की वजह से आसमान से कोड़े बरसें और हम भी अजाब में मुबला हो जाएँ वो औरत टूटे दिल से रोती हुई वहां से चली गई इतने में हजरत जब्राइल सलाम आए हजरत जब्राइल स्ल्लाम ने आकर कहा ए अल्लाह के नबी अल्लाह कहता है तूने तोबा करने वाली का दिल तोड़ दिया ए मूसा क्या तूने इससे भी बदतर गुनाह करने वाला कोई नहीं पाया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की ए जिब्राइल क्या इससे भी बड़ा कोई गुनहगार होगा

दूसरी औरतों के ऐबों पर नज़र डालने के बजाय अपने ऐबों पर नज़र डालने वाली औरत आजकल की औरतें अपने गरीबान में तो झांक कर नहीं देखती दूसरी औरतों के ऐब निकालती रहती हैं उसके अंदर ये नुख्स है उसके अंदर ये नुख्स है, है तो नाज़रीन इस्लाम की शहजादियों को ये जेब नहीं देता तुम हजरत इंसान हो इस्लाम के मुकद्दस शहजादे शहज़ादियों वाला काम किया करो वहाँ की बात सुनकर यहाँ लगाना यहाँ की सुनकर वहाँ लगाना फिर दोनों भाइयों को आपस में लड़ाना फिर दोनों को आपस में एक दूसरे से जुदा कर देना क्या ये तुझे जेब देता है दूसरी औरतों के ऐबों को उछालना तुझे जेब देता है इंसान ने कोयल से पूछा अगर तू काली ना होती कितना अच्छा होता तेरे अंदर ऐब है कि तू काली है फिर इंसान ने एक दिन समंदर में बहते पानी से पूछा अगर तू खारा ना होता कितना अच्छा होता तेरे अंदर ऐब ये है कि तू खारा है फिर इंसान ने एक दिन गुलाब को उठाया हथेली पे रखा पूछने लगा अगर तेरे अंदर ये कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता तेरे अंदर ऐब ये है कि तेरे अंदर कांटे हैं तीनों बोल उठे ए इंसान अगर तेरे अंदर दूसरों के ऐब ढूंढने की आदत ना होती तो कितना अच्छा होता आजकल की औरतें दूसरों के ऐब ढूंढने की कोशिश करती हैं लेकिन अपने गिरिबान में झांक कर नहीं देखती कि मेरे अंदर भी कोई ऐब है मेरे अंदर भी कोई खामियां हैं या नहीं फरमाया नंबर छः अच्छी औरत दूसरे लोगों की लफ्जिशों की तरफ नज़र नहीं करती नंबर सात अपने शोहर के सामने शोहर के माँ बाप का गिला नहीं करेगी क्योंकि शोहर के सामने शोहर के माँ बाप का गिला करने वाली खातून बदतरीन औरत कहलाती है दुनिया की बदकिस्मत औरत है वो जो शोहर के दिल में मोहब्बत पैदा करने की बजाय नफ़रत पैदा करती है फरमाया अच्छी औरत है वो जो अपने शोहर के सामने शोहर के माँ बाप की तारीफ बयान करती है नंबर आठ अच्छी औरत हर वक्त शोहर के सामने माजरत करने की तलबगार रहती है कोई उससे गलत काम हो जाए जिससे शोहर की दिल आज़ारी हो तो फौरन वो शोहर से माजरत तलब करती है वो औरत जो शहर को रुखसत करते वक्त ढेरों दुआएं और तमन्नाओं के साथ रुखसत करती है हज़रत सदशा सिद्दीक रज़ल तै ने फरमाया आखिरी निशानी अच्छी औरत है वो कि अच्छे वक्त में तो हर औरत साथ देती है लेकिन अच्छी औरत है वो जो शोहर की ़ुरबत में भी शोहर का साथ देती है तो नाज्रीन हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रोमी रहामतल ने फ़रमाया शादी करने से पहले ऐसी औरतों को तलाश करो ऐसी इस्लाम की मुकद्दस शहज़ादियों को तलाश करो जिनके अंदर हजरत आयशा आयश सिद्दीक ताला अन्हा की बयान की गई दस निशानियाँ पाई जाती हों इल्ला ऐसी औरत जब तुम्हारे घर में आएगी तुम्हारे घर को जन्नत का बाग बना देगी अल्लाह पाक हमें नेक आमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे घरों को आबाद रखे आमीन नाज़रीन कमेंट बॉक्स में एक बार अल्लाह ताला का नाम ज़रूर टाइप करें